मेरे हाथ में राखी आई। बस आपका भाई चाहता है कि ना आप राखी तो बांध दो मुझे। भैया बोला मैं आपका भैया ही हूं। हंसने की वजह से कोई खुश हो। आई मीन आई एम ओम और मैं आज उस बहन से राखी बंधवाने आया हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं राखी आपको दिखा देता हूँ। मैं दो राखी लेके आया हूँ, दो इसलिए लेके आया हूँ, मेरे को लगा कि यार उस दुकानदार से ना एक राखी लेते हुए मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने बोला भाई तू दो दे दे, दो राखी एंड मिठाई सब कुछ मैं लेके आया हूँ। और मैंने ना इस बहन को मैं गिफ्ट क्या दूँ मेरे को वो आज तक समझ में नहीं आया। लास्ट टाइम लोगों ने पता क्या, लास्ट रक्षाबंधन पे लोगों ने ये बोला था कि भाई तू ऐसा कर, अपनी जो भी जिसको तू बहन मानता है ना उसको ना तू मोक्ष दिलवा दे। बट मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ ना तो ऐसा लगता है अंदर से मुझे कोई देख रहा है। मैं बताता हूँ कि भाई हुआ क्या था मेरे साथ और मैं यहाँ पर किसको मैं बहन मानता हूँ। मैंने YouTube स्टार्ट किया था, मैं 100 कैटेगरी में जब आया था तो यहाँ पे ना एक कहानी मैंने सुनी थी। ये पूरा रोड है यहाँ से और यहाँ पर, और पूरे रोड पे ना मैं आपको दिखाऊंगा इस तरफ उस तरफ, बस यहाँ पे और एक जगह वहाँ पे, वहाँ लाइट जलती है, उसके सिवा ना कहीं पर भी लाइट नहीं जलती है। गाइस यहाँ पास के ना गांव से ना जो लोग थे ना पैसे के लिए ना दहेज के लिए एक बहू को बार बार परेशान करते थे, कभी उससे गाड़ी बोलते थे, कभी उससे 10 लाख मांगते थे। बट जो लड़की थी ना वो भी परेशान हो चुकी थी, भाई मैं कब तक अपने ससुराल वालों को पैसे ला ला के दूँ। तो उसके ससुराल वालों ने पता क्या किया भाई, उसको ना उसके पति ननद सास ससुर सब लोगों ने ना मिल के भाई इतना उसको ना पीटा, इतना पीटा, लाइक मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि यूट्यूब एंड फेसबुक मना करते वो वर्ड यूज़ करने के लिए, कि ना वो ना ऐसे हो गई थी कि ना वो जिंदा थी ना वो दुनिया को छोड़ के गई थी, वो ऐसे हो गई थी। तो ना ससुराल वाले को लगा, उसके हस्बैंड को लगा भाई जो ये बहन है कि भाई ये ना दुनिया को छोड़ के जा चुकी है, तो फटाफट काम करते अगर इसको ना हॉस्पिटल में लेके जाएंगे पूरा केस बनेगा, हम सभी लोग ना यहाँ पे फंस जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे ना, अभी देखो ना यहाँ पे आपने हर शमशान घाट में एक इंसान देखा होगा जो लकड़ियाँ देता है, जो ना सब कुछ करता है यहाँ पे, सब अंतिम संस्कार करता है, बट यहाँ पे कोई नहीं है। तो उसको ना उन लोगों ने पैसे वैसे खिलाए और वो लड़की ना जो जिसको मैं बहन मानता हूँ वो ना जिंदा थी, उसको उसके चिता पे उसको लिटाया एंड उसको उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैं ना ये स्टोरी ना ये जो वर्ड है मैं अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फेसबुक एंड यूट्यूब मना करते हैं, आप समझ देना बातों को। एंड उसके बाद कहते हैं कि ना उसकी जो आत्मा है ना यहाँ पर भटकती है। जब वो फर्स्ट टाइम आया था ना गाइस मेरे से ना उसने मेरे से बातें बातें की एंड मैंने बहन बहन करके बोला मैं हर रक्षाबंधन पर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड मैं उसे राखी बंधवा के जाता हूँ। वो राखी अगर कुछ भी ना राखी हिला देती है, फिर मैंने डब्बा हिलाती है या फिर उसकी आवाज़ में को आ जाती है ना, मेरे को लगता है कि हाँ वो मेरे को समझ गई। मैंने उसको ना केयर बोला कि बहन मैं तुम्हारा मोक्ष करवा दूँ, तो उसने बोला कि नहीं मुझे मोक्ष नहीं करवाना है, जब तक मेरे हस्बैंड या फिर मेरे सास ससुर जिंदा है ना मैं उनको ना खुशी से वो देखना नहीं चाहती, वो उनको परेशान करती है। मैंने कहा तुम करो भाई तुम्हारे घर में जो तुम करती हो करो, बट उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है एंड लोगों को ना दिखाई देती है, कभी वो किसी को परेशान नहीं करती बट हाँ उसकी आत्मा यहाँ पर दिखती है। और आज मैं उसे ना राखी बंधवाने के लिए इस शमशान घाट के बाहर खड़ा हूँ, अंदर भी जाऊँगा और बोलूँगा कि बहन आ जाओ बांधो राखी यार, देखते हैं कि क्या होता है आज इस बार। लास्ट टाइम मेरे को ना उसने एक पिल्ला गिफ्ट किया था, एक पप्पी गिफ्ट किया था, मेरे पास अभी भी वो है और मैं उसको अभी हमारे वो घर में पल रहा है। मेरी मम्मी को पिल्ले वाले बिल्कुल कुत्ते तो बिल्कुल नहीं पसंद, बट मेरे को मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा सीन है और मेरे को ऐसे यहाँ से मिला, तो मम्मी ने उसको एक्सेप्ट किया और हमारे घर पर वो पल रहा है। फिलहाल वो बड़ा हो गया, मैं उसको लेके नहीं आया, मैं सोचा था कि उसको लेके आऊँ बट मैं उसको लेके नहीं आया। मैंने कहा कि चलो काफ़ी दूर है जगह, मैं अकेले आ गया हूँ, फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है, क्या वो बहन अपने होने का एहसास करते, क्या मुझे वो राखी बांधेगी, मतलब सीधी सवाल सीधे वाले हाथ पे, देखते हैं जो भी होता है यार। गाइस मैं आपको दिखाऊं वो शमशान घाट, चांद फुल मून में है। बहन कैमरे को सुन पा रहे हो आप? बहन कोमल, बहन कोमल, कोमल शमशान घाट के अंदर चिता जल रही है, तो उसके अंदर ना जाना भी सेफ नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से हट के आगे जाके जब ये ना जो बहन है कोमल बहन हर तरफ दिखती है,
तो थोड़ा सा मैं आगे जाकर उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूँगा, उससे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं संपर्क करके अंदर जा रहा था बट मैं रुक गया उस चीता को जलते हुए देखते। थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड देखते हैं गाइस, थोड़ा सा आगे देखो आपको दिख रहा हो जस्ट पीछे की तरफ शमशान घाट है। थोड़ा सा आगे हूँ मैं, यहाँ पे मैं खड़ा होकर थोड़ा अच्छा भी दिख रहा हूँ मैं स्लाइड के नीचे, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और जितने भी हीरो हीरोइन होते हैं ना, लाइट में लाइट का फ़र्क होता है भाई, दिखने उखने में गोरा और सांवला जो भी देखते हैं लाइट का फ़र्क होता है। तो गाइस अभी ना मेरा माइक कौन है, एक मिनट, हाँ मेरा माइक कौन है, आवाज़ आ रही है। मैं यहाँ पे राखी रखूँगा, मिठाई रखूँगा एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोमल बहन से कि वो मेरे से बातें करें एंड अपने होने का एहसास करें और राखी जो भी है मेरे को बांधे। मैं हर बार ये जो करने आता हूँ मैं आज मैं वही बोलूँ भाई करें। कोमल बहन, आपके भाई ने खुद से मिठाई खा ली है, बस आपका भाई चाहता है कि ना आप राखी तो बांध दो मुझे। क्या मुझे राखी बांधेगी बहन, लाइटिंग गई बाहर में, मैंने खा लिए। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, देखते हैं कुछ फील होता है तो। ये लोग बोलेंगे कि डब्बा और मिठाई ऐसे रोड पे क्यों रखी है, क्योंकि भाई और मैं कहाँ पे रखूँ। बस मैं कोमल बहन को इतना बोलना चाहूँगा कि बहन आप आसपास कहीं पे भी हो ना तो आओ एंड मेरे को राखी बांधो। मैं थोड़ा सा रोड पे थोड़ा सा आपको घूम के भी दिखा दूँ कि कौन मैंने अक्सर यहाँ पे घूम के देखती हैं। जो ये लाइट अभी आपको नहीं दिख रही ना, ये कोई आई थिंक फार्म हाउस कुछ बन रहे हैं, फार्म हाउस की ज़मीनें कट रही हैं, बट यहाँ पर दूर दूर तक अभी तो कोई भी नहीं है और आपको कोई भी नहीं। ओ देखो वहाँ से रोड गया, वहाँ से लोग जाते हैं, इस तरफ से कोई भी नहीं आता है। और एक फार्म हाउस आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वो आपको दिख रहा हो वहाँ पर लाइट जल रही होगी, ये यहाँ पर भाई, यहाँ पर रात को ना भोजपुरी गानों की शूटिंग होती है यहाँ पे, तो ये वहाँ पे चल रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे वहाँ पे कोई खड़ा है। कोमल बहन, चांद फुल मून उसमें है, कोमल बहन आसपास कहीं हो तो अपने होने का एहसास करवाओ, क्या मुझसे नाराज हो? आपने आज तक मुझे इतना वेट नहीं करवाया बहन। आपका भाई रक्षाबंधन से पहले आया, मैं उसके माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहन उस दिन थोड़ा सा बिजी हूँ। कोमल बहन कहाँ पे हो आप? कोमल बहन यार पता नहीं क्यों ना उस तरफ पे ना, वहाँ के तरफ ऐसा से कोई है। और आप देखो ना पूरा पसीने पसीने होगा मैं हाथ, तो ना ये गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है एंड वहाँ पे कोई ऐसे को कोई है। कोमल बहन आसपास कहीं हो तो अपने होने का एहसास करवाओ। ये लो राखी हिल रही है, वो राखी हिल रही है। राखी कोमल बहन वो राखी देख दो, राखी ले राखी नीचे आ गई। ये राखी ना मैंने यहाँ रखी थी एंड ये जस्ट नीचे आ गई, आई डोंट नो कैसे। मैंने आसपास कहीं हो आप, क्या मुझसे नाराज हो? कोमल बहन मैं आ गया हूँ, कोमल बहन बताना मुझे। कोमल बहन माफ़ी चाहूँ आपसे, मैं जल्दी आया हूँ बहन। कोमल बहन भैया बोला, मैं आपका भैया ही हूँ, आपका भाई हूँ। कोमल बहन क्या मुझसे नाराज हो बहन, क्या मुझसे नाराज हो? आपसे भाई से कोई गलती हुई है? कोई ना कुछ तो बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे मुझे बुरा लग रहा है बहन। आप उसने बोला नहीं, ठीक थैंक यू बहन। आप मुझसे नाराज हो एक बार दोबारा, मेरे को बुरा लग रहा है आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो तो। मैन बोलो ना,
कौन बहन? एक बार अपना नहीं, ठीक है बहन, मैं आया, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझसे मैं यहाँ पर आया हूँ, आप खुश हो? जी ओके बहन, आप ना प्लीज़ ना कुछ करके दिखाओ ना, जहाँ से मेरे को लगे कि आप आसपास कहीं हो। मैं इसको बंद करता हूँ। कौन बहन, प्लीज़ कुछ करके इस बार डब्बे को हिला के दिखा दो एक बार, आप लगे कि आप आसपास कहीं हो। पीछे से कुछ आवाज़ थी अजीब सी, डबल रहा डबल रहा डबल रहा बहन, इसके ऊपर जो राखी है ना, आपको मेरे हाथ में बांधनी है, इतनी रिक्वेस्ट आपके भाई की, प्लीज़ वो करोगे आप? प्लीज़ उतना करोगे बहन? डब्बा हिल रहा है, वही डब्बा कहाँ गया? राखी तो मेरी, डब्बा ये रहा। मेरे को लगा सामने कोई है, पता नहीं कैसा लगा कोई है यहाँ पे। कौन है? आपने मुझसे बातें करो, नाराज हो क्या मुझसे? मैं नाराज़ हो क्या? आप मुझसे बातें नहीं कर रहे हो, अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। आप मुझसे नाराज हो? बोलो कोमल बहन, कब जाते हैं? मैं चले जाऊं तो मैं चला जाऊंगा बहन। ओ यार यार, इसमें ना दो राखियाँ थी, यही रहा डब्बा। यार ये देखो भाई, एक राखी पता नहीं कहाँ गई यार, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है। कोमल बहन क्या भाई, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है बहन? देखो रो मत यार, प्लीज़ बहन रो मत बहन, मैं आपको यहाँ रुलाने नहीं आता बहन। कोमल बहन, मैं आपको ना यहाँ पे रुलाने नहीं आया भाई, पता है मैं ना यहाँ पे आके थोड़ा सा मेरे को अजीब सा हो जाता है यार, क्योंकि वो ना मेरे को देख के ऐसे रोने से लगती हैं, ये आवाज़ें ऐसे रोने की जो आ रही है ये मेरे को बहुत हर्ट करती हैं। देखो बहन, मैं आपको ना यहाँ पे रुलाने नहीं आया हूँ, मैं आप सिर्फ और सिर्फ आपसे बातें, मेरे हाथ में राखी आई और ये एक राखी यहाँ पड़ी है, और ये राखी पता नहीं यार ये कैसे बंधी। कौन बहन, क्या आस पास कोई हो तो बहन? क्या मैं ये राखी क्या आपने बांधी बहन? क्या राखी आपने बांधी बहन? पता नहीं, ऐसा राजा सिंह के वहाँ की तरफ कुछ खड़ा था एंड कुछ था। कौन बहन? कौन बहन? ओए ये क्या यार, अंगूठी? हंसने की वजह से कोई खुश हो बहन? आई नो कि आपने दिए
मैं मेरे को पैरों पे यहाँ पे आया जैसे लगा कोई पत्थर था। ये हंसने की आवाज़, आप खुश हो बहन कि मेरे को मिली? क्या बहन ये आपने मेरे को दिए? गाइस मेरे को ना अंगूठी, आपने देखा होगा मेरे को अंगूठी, सोना, चैन ये पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि भाई हम ऐसे काम पे जाते हैं और यहाँ पे ना ये अंगूठी भाई ये सोने की ही लग रही है मेरे को तो, यानी सोने की है, बट मैं पहन लेता हूँ। आई नो कमल बहन ये आपने दिए, और कई लोग बोलेंगे भाई ये भूत वूत आपको कैसे दे सकते? भाई देखो भूत वूत का अलग रिश्ता होता है, यानी भाई बहन का रिश्ता अलग होता है, और अभी भी देखो वहाँ की तरफ लग रहा है जैसे कोई चल रहा है। बहन मैं क्या जाऊँ? अभी भी ना गाइस सच बता रहा हूँ भाई, मामा की कसम भाई कह रहा हूँ, यहाँ की तरफ ऐसे लग रहा है कोई चलने की वो आ रही, और सच बता रहा हूँ भाई भगवान कसम मेरे को ऐसे अंगूठी पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद, एंड ऐसा लग रहा है मेरी साइज की ही हो। मैं अंगूठी सोने के चैन पहनना चलो मैं एक बार को ठीक लगता है, बट अब गाड़ी वाड़ी में, बट ऐसे अब पता है क्या, अकेले आता हूँ ऐसे लोकेशन पे तो चैन मैंने पहनता था, कड़ा पहनता था सोने का, बट मैंने सब कुछ हटा दिया। यानी ऐसे अंगूठी भाई मैं कुछ दिन तो पहनूंगा, क्योंकि भाई ये गिफ्ट आई थिंक कोमल बहन ने दिया है, तो मैं एक बार ना कन्फर्म करता हूँ एक बार, कोमल बहन ये अंगूठी सोने की आपने मुझे दी है? हाँ दोबारा बोलेंगे कोमल बहन, थैंक यू सो मच मेरी बहन, थैंक यू सो मच, ये अंगूठी आपने मेरे को दी है सोने की, एक बार दोबारा कन्फर्म करोगे बहन? खुश रहिए, आई थिंक आपने बोला खुश रहिए, थैंक यू मेरी बहन, आप मेरे से बड़ी हो, मैं हमेशा आपका आशीर्वाद बने से बनेगा। क्या बार दोबारा बोलोगे बहन ये अंगूठी आपने मेरे को दी है? ये अंगूठी आपने मेरे को दी है, मैंने पहनी, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ थैंक यू सो मच मेरी बहन, और मैं अगर बहन मेरे को टाइम मिला ना तो मैं रक्षाबंधन के दिन भी मैं यहाँ पे आऊँगा, और ये अंगूठी कैसी लग रही है बताना मुझे गाइस, पता नहीं मेरे को तो इतना भाई इनका आइडिया नहीं है अंगूठी का। थैंक यू सो मच मेरी बहन, और भगवान पता है क्या बहन, मैं एक बात बोलना चाहूँगा आपसे, अगर आप मोक्ष के लिए भी जा रहे हो ना तो मेरे से मिलके जाना एक बार, ऐसे मेरे को बिना मिले मत जाना। मैं सच में ना अगर ऐसे ना मैं सच में एक ना अटैचमेंट जो होती है ना भाई वो हो चुकी है, एंड मैं मिलना चाहता हूँ कि भाई मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि भाई वो बहन दिखती कैसी है, जो जिसको मैं बहन मान चुका हूँ, और ऐसे राखी बांधना, ऐसे कि भाई अंगूठी देना और ये सब कुछ का पता नहीं भाई क्या सिस्टम है, मेरे को खुद समझ नहीं आता, बट मैं हर बार आता हूँ, हर रक्षाबंधन के दिन आता हूँ, मैं अक्सर बीच बीच में भी आता रहता हूँ, मेरे को वो आवाज़ें आना, वो रो, मैंने आना इसलिए भी कम कर दिया ना इस तरफ पे, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ ना तो वो रोने बैठती है, वो रोने बैठती है, कुछ बताना चाहती है, आई डोंट नो क्या बताना चाहती है, मोक्ष के लिए कई बार पूछा था बट वो मना करती हैं, और मैंने भी बोला कि अगर आप मोक्ष जिस दिन आप करने जो सोचोगे ना कि भाई मेरे को दुनिया से जाना है, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेरे से मिले बिना मत जाना, मुझसे बात किए बिना मत जाना बहन, आपका प्यार ना छोटे भाई पे हमेशा बना के रखना। गाइस मैं यहाँ से ना फिलहाल तो मैं निकलता हूँ, और दोबारा मेरे को ना दोबारा मैं ये लोग बोलेंगे ना कि भाई तू दोबारा आ रहा है कि तो कुछ, भाई मैं इतना बोलना चाहूँ बहन कि ना मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ मत देना अगर मैं दोबारा रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर आया तो, बस मेरे से एक ये रिक्वेस्ट है, मैं उस शमशान घाट के अंदर घुसना चाहता हूँ, और मेरे को ना कुछ भी गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे बहन, इतना करना मेरे को, बस इतना करना, मैं पक्का आऊँगा, आपने ये दिया मैं रख रहा हूँ, बट प्लीज़ करना बहन। कहीं मैं ऐसे निकलता हूँ यार कि ना मिठाई का डब्बा पूरा का पूरा ना खाली हो गया, एक पड़ा हुआ है, तो मैं इसको ना यहीं पे रखने वाला हूँ, है ना कोमल बहन ये आपके लिए, मैं आपको क्या दूँ मेरे को समझ नहीं आता बहन, मैं यहाँ पे वो मत समझना कि मैं कुछ गलत उससे रख रहा हूँ। और गाइज मैंने ना अभी माइक भी हटा दिया अपना, मैं वीडियो ख़त्म, इसलिए मैंने माइक वाइक की तार पर निकाल दी थी, आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आप लोग को, तो कोमल बहन बुरा मत मानना, मैं इसको छोड़ के यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं दोबारा आऊँगा आपसे मिलने, और अपना ये जो प्यार है ना बहन बना के रखना, बस ये ना ये सब मेरे को नहीं चाहिए, बस जो आपसे मुझसे बातें करते हो, जो ब्लेसिंग देते हो ना वो हमेशा रखना, बाकी जो आत्माओं से मुझे बचा के रखते हो ना वो हमेशा रखना बहन। थैंक यू सो मच मेरी बहन, थैंक यू सो मच।